नमस्कार, भारत प्राइड में आपका स्वागत है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास ने राव सूरजमल हाड़ा छतरी प्रकरण पर आज एक वीडियो जारी करते हुए राजस्थान की भाजपा सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि छतरी जहां तोड़ी गई है वहीं बननी चाहिए। 100 साल से पुराना अगर कोई स्मारक होता है उसको तोड़ना अपराध होता है। उन्होंने कहा कि छतरी की जगह नहीं बदलनी चाहिए। जहां पर वो छतरी थी, जहां पर उसका ऐतिहासिक महत्व है, वो वहीं पर बननी चाहिए। प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार इस मामले को लेकर विरोध दर्ज कराते रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले भी पोस्ट करी थी और आज वीडियो साझा करते हुए उन्होंने राजस्थान सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है और जिस तरीके से जनभावनाएं हैं उनका सम्मान नहीं करती है तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। देखिए उनका ये बयान। बूंदी के राव सूरजमल की प्रतिमा तोड़ दी गई, ये सीधे सीधे बीजेपी सरकार का षड्यंत्र है। राजस्थान का हेरिटेज नहीं बचना चाहिए, राजस्थान के राजाओं का इतिहास नहीं बचना चाहिए। आप अपना इतिहास बताना चाहते हैं, 40 वर्ष का इतिहास है बीजेपी का, सिर्फ पाप कर रही है बीजेपी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, दोनों मिलकर पहले षड्यंत्र से प्रतिमा तोड़वाते हैं वहां पर। वो प्रतिमा तोड़ने के बाद कह रहे हैं हम दूसरी जगह प्रतिमा बना देते हैं। क्यों बना देंगे आप? 100 वर्ष पुराना कोई भी मॉन्यूमेंट तोड़ा ही नहीं जा सकता। आपको माफी मांगनी चाहिए राजस्थान की जनता से, वहीं बनेगी प्रतिमा, आप वहीं बनने दीजिए। आपको जो विस्तार करना है एयरपोर्ट का तो पास में कर दीजिए, बढ़ा दीजिए और इसको रहने दीजिए। बीच में ऐसे एयरपोर्ट में बहुत दिखा दूं हिंदुस्तान में, जहां पर बॉम्बे एयरपोर्ट पर, दिल्ली एयरपोर्ट पर, बहुत जगह आपको बॉम्बे एयरपोर्ट पर ऐसे मिलेंगे जहां अंदर पुराने जो मॉन्यूमेंट आ गए वो सुरक्षित है। आपने षड्यंत्र पूर्वक तोड़ दिया। 100 वर्ष पुरानी कोई प्रतिमा तोड़ी नहीं जा सकती। राव सूरजमल की प्रतिमा लोगों की भावनाओं से जुड़ा मामला है, जिन्होंने बूंदी के शासक, इतने बड़े योद्धा, और इनकी हिस्ट्री से आपको बड़ी तकलीफ चालू होगी बीजेपी के लोगों को। बीजेपी नाटक करती है, ये सीधे सीधे देश का, धर्म का, देश के इतिहास का और देश के इतिहास की परंपराओं का अपमान है, ये किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी जगह पर आप प्रतिमा लगाइए। यदि आप वहां प्रतिमा नहीं लगाते हैं और किसी तरह का टकराव जिम्मेदार टकराव होता है तो मुख्यमंत्री जी, भाजपा सरकार जिम्मेदार होगी। यदि आप इस तरह से लोगों का अपमान करेंगे तो ये आप तय कर लेना, राजस्थान के मंत्री मुख्यमंत्री जहां भी जाएंगे उनका भी विरोध किया जाएगा। आप कम से कम प्रदेश का और इतिहास का सम्मान करना सीखिए, ये बर्दाश्त के बाहर है।